फ्रेंड्स, शाम के स्नैक्स में बनाई ये टेस्टी टेस्टी इडली फ्राई, जिसे आज मैंने एक खास मसाला डाल के बनाया है, जिससे इसका टेस्ट एकदम चार गुना होगा दोस्तों। और इस इडली फ्राई को हमने कैसे बनाया, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और तो चलिए बनाते हैं टेस्टी टेस्टी मसाला इडली फ्राई। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है हमारे घर में, चाहे हम सूजी की इडली बनाते हैं चाहे चावल की बची जाती है, तो उसी को फ्राई कर रही हूँ मैं। इडली ले ली, प्याज एक काटा, मीठी नीम की पत्तियाँ, दो हरी मिर्ची और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी चीज़ों को हम ले लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे इडलियों को चार टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपनी पसंद से इडली के टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इडली के चार टुकड़े यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब चलिए हम इडली फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 5 मिनट में बनके तैयार होती है ये टेस्टी मसाला इडली फ्राई। गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन रख लीजिए, उसमें आपको डालना है 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हो। फ्रेंड्स, ये वाली इडली फ्राई आप शाम के स्नैक्स में, सुबह नाश्ते में या कभी भी, आप जब भी कहीं घूमने जा रहे हैं ट्रैवल वगैरह में, तब भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच राई या काली सरसों आप डाल सकते हैं। इसी के साथ में हम डाल देंगे जो हरी मिर्ची हमने कट की थी उसे, मीठी नीम की पत्तियाँ, तो आप मीठी नीम की पत्ती ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा कट किया था। अगर आप प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते तो आप यहाँ पे प्याज स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ हरी मिर्ची मीठी नीम की पत्ती से भी इडली फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा प्याज सेकने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, क्योंकि नमक इडली में भी होता है, तो आप नमक देख के डालें। और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद एक बार हम अच्छे से चला देंगे ताकि पूरी हल्दी वगैरह अच्छे से पक जाए। अब हम डाल देंगे कटिंग की हुई इडली। आपके घर में जितनी भी इडली, अगर आप ताज़ा इडली बना के भी फ्राई करते हैं, इडली फ्राई कोई भी आपके घर में किट्टी वगैरह, तब भी बहुत अच्छा लगेगा ये स्नैक्स। अब है ये मसाला जो मैंने आपको बताया था खास, तो आप गैस करिए क्या हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं ही बता देती हूँ, ये है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। तो दोस्तों, अगर आप पाव भाजी मसाला इडली फ्राई में डाल के इडली फ्राई करते हैं तो आप देखिएगा क्या गजब का टेस्ट आता है, कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें क्या डाला। तो अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म इडली फ्राई बनके देखा कितनी जल्दी झटपट तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर से आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, और अगर आप मिर्ची वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे इडली के ऊपर से मैं डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ थोड़ी सी धनिया पत्ती। गर्मा गर्म इडली फ्राई को आप टमाटो सॉस के साथ, इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आज यहाँ पे इडली फ्राई को सर्व किया है टमाटो सॉस के साथ, साथ में गर्मा गर्म शाम के स्नैक्स में चाय बना लीजिए, तब देखिए इसका टेस्ट क्या दोगुना हो जाता है। आप बहुत बार इडली वगैरह बनाते हैं तो शाम के समय इस तरह से इडली फ्राई करके बना सकते, तो आपको ये इडली फ्राई बहुत अच्छी लगेगी। पाव भाजी मसाला डाल के आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्टी टेस्टी मसाला इडली फ्राई की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। और मेरे चैनल मोनिका अग्रवाल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, बाय बाय दोस्तों।